जी नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और आप हमारा चैनल देखना शुरू कर चुके हैं सहस्र न्यूज। और आज हम बिहार के पूर्णिया जिले में अवस्थित हैं और पूर्णिया टाउन में अभी हम मौजूद हैं। और हम आज आपसे जो बात करेंगे वो करेंगे एटीएम के बारे में। सरकार आए दिन रोज़ बोल रही है कि कैशलेस होना चाहिए, यानी कि कैश का लेन देन कम होना चाहिए, डिजिटल लेन देन ज़्यादा होनी चाहिए। तो हम आज इसी संबंध में आज हम एटीएम के बारे में चर्चा करेंगे कि ये एटीएम पूर्णिया टाउन का हम लगभग प्रायः एटीएम घूमेंगे आज और देखेंगे कि वास्तविक स्थिति एटीएम की क्या है। अभी हम मड़ंगा एसबीआई में है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे बोर्ड है और आप महसूस कीजिए कि मड़ंगा एटीएम देखिए अभी दिन के 8:30 हो रहे हैं और इस दरमियान आप देखिए कि यहाँ का एटीएम बंद है। अब आप देख सकते हैं यहाँ एटीएम बंद है, हमारे पीछे देखिए शटर गिरा हुआ है और प्रायः आपको ये शटर गिरा ही मिलेगा और कभी खुला हुआ अगर मिल गया तो आप समझिए कि मशीन काम नहीं करेगा। तो हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि आप एक तरफ बोलते हैं कैशलेस का कम करो और दूसरी तरफ इन जैसे एटीएम हमेशा बंद पाए जाते हैं और अगर खुले भी हैं तो पैसा निकासी नहीं होता है, पैसे की अभाव रहती है एटीएम में, तो फिर आदमी कैशलेस काम कैसे करे। हम अपने जनता का दुख जो दर्द जो है वो हम सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। इसी दरमियान अगर अभी किसी को ज़रूरत अहन पड़े, यानी कि कोई आकस्मिक घटना किसी के साथ घट जाए और वो अगर एटीएम कार्ड लेके अगर एटीएम मशीन के पास आए और उसको पैसा नहीं मिले तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत और परेशानी का सामना उसको करना पड़ सकता है। चलिए आज हम पूर्णिया टाउन का कुछ एटीएम मुआयना करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा एटीएम काम कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। देख सकते हैं कि हम नेवालाल चौक के पास इस एटीएम मशीन के पास हैं और आप देखिए कि ये एटीएम भी काम नहीं करता है। नेवालाल चौक पर एकमात्र एटीएम है और यहाँ के लोगों को अगर अभी परेशानी हो जाए तो वो कहाँ पैसा निकालने जाएं, क्योंकि प्रायः पूर्णिया के जितने भी एटीएम्स हैं वो सारे काम नहीं करते हैं। कोई एक ऐसा एटीएम हमको मिल जाएगा जो थोड़ा बहुत पैसा निकलता हो, बाकी यहाँ का जितना भी एटीएम है कोई काम नहीं करता। हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप देखिए अंदर आके और इस मशीन को देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, आप देख सकते हैं, ये देखिए आप क्या लिखा हुआ है। दिस एटीएम इज इनेबल फॉर एक्सेप्टिंग ईवीएमबी चिप कार्ड्स, ये एटीएम ईवीएम चिप कार्ड्स की स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। ये सब चीज आपको दिखेगा, ये काम नहीं कर रहा है। तो हम और भी एटीएम्स को दिखाएंगे आपको, आप बने रहिए। अभी हम सुदीन चौक जो पूर्णिया में है यहाँ पर कैनरा बैंक का एटीएम है और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ कैसे काम करता है। यहाँ एटीएम काम ही नहीं कर रहा है, आप जैसे कार्ड डालेंगे तो ये आपको लिखेगा मशीन कि टेक योर कार्ड। आपको दिखाते हैं हम और देखिए, ये मशीन है आप देख सकते हैं और देखिए ये मेरे पास कार्ड है, इस कार्ड को हम जैसे डालेंगे ये देखिए मशीन क्या लिखेगा, टेक योर कार्ड। यानी कि यहाँ भी काम नहीं कर रहा है एटीएम। ये सुदीन चौक का मामला है, और भी हम जगह पड़ताल कर रहे हैं और हम आपको पूर्णिया का वास्तविक जितना भी एटीएम है हम प्रायः करके कोशिश करेंगे हम आपको दिखाएं। और पता नहीं सरकार क्यों बोलती है कैशलेस, तो कैशलेस कैसे होगा जब हमारा एटीएम से पैसा ही नहीं निकलेगा। अभी हम रजनी चौक पर हैं और यहाँ पर देखिए कि विजया बैंक का एटीएम है और हम आपको कार्ड डाल के दिखाते हैं कि यहाँ का एटीएम किस प्रकार से काम करता है। बताइए कि अभी तक हम 5 एटीएम जा चुके लेकिन कहीं भी कैश नहीं निकलता है, तो इसके बाद आम आदमी किससे सवाल पूछने जाए, किन अधिकारियों से सवाल पूछे, ये हमें समझ में नहीं आता है। ये हमारे दर्शक ही निर्णय लेंगे कि आखिर सरकार एक तरफ बोलती है कि कैशलेस होना चाहिए और दूसरे तरफ एटीएम अगर काम ही नहीं करे तो बताइए अगर किसी आदमी के साथ कोई अचानक कोई हादसा हो जाए तो वो कहाँ जाए पैसे निकालने, अगर अभी ज़रूरत उसको आन पड़े तो वो कहाँ जाए पैसा निकालने, हमें समझ में नहीं आता। ये हमारे दर्शक ही निर्णय लेंगे। अभी फ़िलहाल हम इस एटीएम के अंदर चलते हैं और यहाँ कैसे कार्ड क्या काम कर रहा है ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये
देखिए हम एटीएम के पास है, ये हमारे पास कार्ड है और अभी हम इस कार्ड को डालते हैं यहाँ। यहाँ लिख रहा है नो कैश, आप देख सकते हैं यहाँ बता रहा है